उनके जैसा फिजिक्स को ही नहीं पढ़ाएगा पूरे PW में। सो गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सब अच्छे से होंगे, सबका सही जा रहा होगा। तो आज की वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम आए विद्यापीठ श्रीनगर, मेरे ट्यूशन सेंटर। आज फुल टूर होगा, टीचर्स के साथ बात करेंगे, हर किसी टीचर के साथ जो भी मिलेगा, स्टूडेंट्स के साथ बात करेंगे। तो बने रहो वीडियो में एंड लाइक कॉमेंट शेयर ज़रूर कर देना। जो ये वाला रास्ता है, ये सेकंड एंट्री है PW की, वहाँ से मेन एंट्री है। और ये देख सकते हो आप, ये यहाँ से सेकंड एंट्री है। स्टार्टिंग पे ही मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, ये यहाँ पे कैंटीन है जो स्टूडेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए अवेलेबल होता है। थोड़ा सा मैं आपको दिखाऊंगा अंदर से कैंटीन। अस्सलामुअलैकुम, ये भैया यहाँ पे कैंटीन चलाते हैं हमें। तो उसके बाद अस्सलामुअलैकुम, अस्सलामुअलैकुम सर, वो देख सकते हो आप चेक इन कैसे होता है यहाँ पे। गाइस अभी मैं ले जाऊँगा आपको लाइब्रेरी की ओर, सारा अभी आके मेरे साथ है। एंड आप देख सकते हो यहाँ पे अभी सारे पढ़ रहे हैं, देख सकते हो कुछ ऐसी लाइब्रेरी है यहाँ पे। लाइब्रेरी की मेन एंट्री होती है यहाँ से स्ट्रेट, तो ये वाली गर्ल्स की लाइब्रेरी है एज यू कैन सी। दो दो लाइब्रेरी है, गर्ल्स के लिए अलग है और बॉयज़ के लिए। अभी मैं ले जाऊँगा लाइब्रेरी के बाद, क्लासेस के बाद जब क्लास ख़त्म होते तो यहाँ पे डाउट अलग से सॉल्व होते हैं। यहाँ पे आप अस्सलाम वालेकुम सर, देख सकते हो आप यहाँ पे कुछ क्लासेस के बाद डाउट सॉल्व होते हैं अलग से स्टूडेंट्स के बाद। गाइस मैं आपको ले जाऊँगा फैकल्टी रूम में, देख सकते हो। अस्सलाम वालेकुम सर, गाइस देखो सर को, ये मेरे केमिस्ट्री सर है जो मुझे केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। सर आप कहाँ से? सर हमें केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, नाइस टू मीट यू सर। एंड यहाँ पे देख सकते हो सर, अलहमदिल्ला ठीक सर। व्हाट्स योर नेम? ताहिर। ताहिर सर, आप ये पढ़ाते हैं फिजिक्स? फिजिक्स। तो गाइस आप लोगों ने अभी देख लिया, सारे टीचर्स अभी फिजिक्स की फैकल्टी यहाँ पे बैठी है। सर स्टूडेंट्स को डाउट होता है वो यहाँ पे आते हैं, लेकिन क्लास के बाहर मतलब सर स्टूडेंट कभी भी आ सकता है तो डाउट्स? एनी टाइम कभी भी आ सकता है, तो क्लास खत्म होने के बाद कभी भी स्टूडेंट आ सकता है, जो भी डाउट होगा किसी के सब्जेक्ट रिलेटेड तो सारे टीचर्स अवेलेबल होते हैं। तो वहाँ फिजिक्स फैकल्टी है यहाँ पे, मतलब जो भी स्टूडेंट होगा हर कोई आ सकता है किसी भी सर के पास डाउट सॉल्व करने के लिए, है ना सर? किसी भी टाइम। जहाँ पे मैं अभी आया हूँ ये फाउंडेशन क्लासेज है यहाँ पे, ये क्लास रूम है यहाँ पे देख सकते हो आप, फाउंडेशन क्लास रूम है। और ये मेन फैकल्टी रूम है, मतलब यहाँ से सब कुछ अपलोड होता है, DPP मॉड्यूल, पेरेंट्स को मैसेज, सब कुछ यहीं से स्टार्ट होता है। मतलब ये बहुत हार्ड वर्किंग होती है यहाँ पे, अभी आप देख सकते हो गाइस, ये हमारा स्टोर रूम है, यहाँ से देख सकते हो। अभी मैं आप लोगों को दिखाऊँगा सर यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, आप ये यूनिफॉर्म मॉड्यूल्स DPP कैसे दे दो हमें? इसके लिए जो सिस्टम प्रॉपरली रहता है उसके लिए बच्चे का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, उसका ID कार्ड होना चाहिए, उसके बाद बच्चे को इन्वेंट्री मिल जाता है जिसमें बच्चे को उसके मॉड्यूल, उसके DPPs, उसका यूनिफॉर्म जिसको हम वेलकम किट बोलते हैं, उसमें बैग आ जाता है, यूनिफॉर्म आ जाती है, ये सारा इन्वेंट्री बच्चे को तब जाके मिलता है जब बच्चे का रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हुआ होगा, और उसके बाद बच्चे का ID कार्ड आ जाएगा तो बच्चे को इन्वेंट्री मिल जाएगी। ओके सर, थैंक यू। सो गाइस सुन लिया आप लोगों ने, रजिस्ट्रेशन पे सब कुछ मिलता है यहाँ पे, देख सकते हो मॉड्यूल्स DPP हर किसी क्लास के अवेलेबल है, पर्टिकुलर लिखा है ओरिजिनल नीट 11th के लिए, ये सब कुछ अवेलेबल है। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस यू कैन सी एग्जाम कैसे हो रहे हैं यहाँ पे। गुड मॉर्निंग मैम, व्हाट्स योर नेम? कृति। मैम अभी हम आए इस क्लास में, यहाँ पे सबसे पहले हमें जानना है टेस्ट कैसे होते हैं। देखिए टेस्ट का तरीका बहुत सिंपल है, आज हमारा माइलस्टोन टेस्ट है। टेस्ट भी हमारे 2-3 तरीके के होते हैं, फॉर एग्जांपल माइलस्टोन हो गया, फिर AIATS हो गया, सिटी टेस्ट होते हैं, ठीक है। तो
जो आज वाला टेस्ट है दैट इज़ प्योरली बेस्ड ऑन नीट का पैटर्न. 3 घंटे 20 मिनट का एग्ज़ाम है, ठीक है. बच्चों के लिए हमने टाइमर भी यहाँ पे सेट कर दिया हुआ है कि ताकि बच्चे जो हैं इन लूप रहें विद द टाइम, ठीक है. ये टाइमर मैं अभी यहाँ पे देख रहा हूँ, अभी इतना टाइम हुआ. पेपर ख़त्म कब होता है? जब टाइम स्टॉप होता है. हाँ जी, पेपर जब मतलब टाइम स्टॉप हो जाएगा तो पेपर ख़त्म हो जाएगा. हमारा पेपर 10 बजे शुरू हुआ था तो उससे आगे 3 घंटा 20 मिनट पे जो एग्ज़ाम है. अभी सर मैम डिस्कशन कर रहे हैं यहाँ पे पेपर कैसा आया है आज के माइलस्टोन टेस्ट में, तो अभी हम सुनेंगे सर. पेपर तो ठीक है, मतलब जिस हिसाब से हमने क्लास में बच्चों को पढ़ाया है तो सारे क्वेश्चन के जो पैटर्न है नए क्वेश्चन है. मतलब ऐसे पेपर को जब बच्चा सॉल्व करेगा तो ऑफकोर्स जब वो मेन एग्जाम के लिए बैठेगा तो पेपर किस भी लेवल का बनाओ तो बच्चों को बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा बच्चा जब वो एग्जाम. तो बाकी तो पूरा नीट को ख्याल में रखते ही पेपर बनाया गया है. ओवरऑल तो पेपर इसको वैसा ही बॉटनी में भी है. जैसे हम देखते हैं बॉटनी का पेपर पूरा एनसीईआरटी रिलेटेड है और सीधे ऊपर ऊपर से लाइनें नहीं पूछी है, अंदर से एनसीईआरटी को पूछा है. एंड वैसे ही हम बताएंगे जैसे कि सर ने भी बताया है, सोचने भी मजबूर किया है बच्चों को. तो और आपने भी बताया जैसे जिसने भी ढंग से पढ़ा है तो हियर शी कैन सॉल्व इट इजी. स्टूडेंट्स हैं फुशाफल, आप मुझे बताओ कौन से क्लास से हो? 11th class. सारे मेडिकल? डीसीबी. आप मुझे बताओ आप लोग का पेपर कैसा गया और पेपर लेवल क्या था, कौन सा पेपर सबसे अच्छा हुआ और कौन सा थोड़ा लो? पेपर जो है बहुत ही अच्छा आया था और हमने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए. हमें लगता है 650 एबव हम मार्क्स आए. जूलॉजी बॉटनी का बहुत ही अच्छा पेपर आया था. केमिस्ट्री फिजिक्स का थोड़ा टफ लेवल का आया था लेकिन तब भी हमने बहुत अच्छी हमारी मतलब हमने कोशिश भी की बहुत अच्छी और हमारे टीचर्स हमने मतलब बहुत अच्छी तरह से पढ़ाए थे. जो स्पेशली जूलॉजी एंड बॉटनी वो हमें बहुत अच्छी तरीके से आए और फिजिक्स केमिस्ट्री में भी 650 एबव. पेपर वॉज एक्सट्रीमली ईजी बट अगर पर्टिकुलरली केमिस्ट्री की बात करें तो थोड़ा मॉडरेट लेवल का था, बाकी सब कुछ ठीक ही. आपका कैसा हुआ? मेरा तो बहुत अच्छा हुआ, फिजिक्स केमिस्ट्री सब अच्छे हुए. जूलॉजी और बॉटनी बहुत अच्छा एज कम्पेयर टू फिजिक्स केमिस्ट्री. फिजिक्स केमिस्ट्री भी बहुत अच्छा. फिजिक्स केमिस्ट्री एज कम्पेयर मतलब जूलॉजी वो थोड़ा सा मुश्किल लगा स्टार्टिंग में क्योंकि क्वेश्चंस देख के वो कहते हैं ना डर जाना, लेकिन जब सॉल्व किया तो फिर धीरे धीरे ईजी यू नो हो गया. फिर आप बताओ. मेरा पेपर बहुत ही ज़्यादा अच्छा हुआ. ऑलमोस्ट अगर हम देखें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड अगर हम देखें तो बहुत ही ज़्यादा पेपर अच्छा आया था और बहुत ही ज़्यादा इजी आया था. एंड जो हमने सर ने पढ़ाया था लेक्चर्स पढ़ाए थे वही क्वेश्चंस आए थे. ऑलमोस्ट हमें लगता है मुझे आएंगे 600 एबो मार्क्स आएंगे. चलो विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू गाइस. अभी मैंने दो स्टूडेंट्स को इनसे हम पूछेंगे मतलब यहाँ पे कैसा पढ़ाते हैं, पेपर कैसा था. फर्स्ट ऑफ ऑल सारा नईम. लीबा वानी. तो पेपर कैसा? पेपर बहुत अच्छा था. फिजिक्स थोड़ा सा टफ आया था बट बहुत अच्छा था. पेपर बहुत हमारे स्टैंडर्ड का था. मैं अच्छे से आया सॉल्व करना. प्रैक्टिस था हमारे लिए तो अच्छा ही हुआ. ओएमआर फ्यूचर हमें बहुत हेल्प करेगा ये. और हमें टीचर्स भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, एक्सीलेंट पढ़ाते हैं. यहाँ पे उनके बारे में कुछ नहीं हम बोल सकते, इतना अच्छा पढ़ाते हैं. सबसे ज़्यादा कौन टीचर आपको पसंद है? ऑनेस्टली कहूँ तो उवैस सर. सर फिजिक्स सर देख रहे हो? उनके जैसा फिजिक्स कोई नहीं पढ़ाएगा पूरे पीडब्ल्यू में. और रिया सर, आमिर सर, कृति मैम, हमें सब बहुत अच्छे बेसिक से कॉन्सेप्ट्स हमारे फिजिक्स में क्लियर हो गए. तो और बाकी सब्जेक्ट्स में भी वी हैव डन एक्सीलेंट जॉब. बहुत अच्छा पेपर भी हुआ और बस. हेलो, विश यू ऑल द बेस्ट. सो फाइनली गाइस अभी सारे निकल रहे हैं यहाँ से एग्ज़ाम देके. तो मिस्टर गजनफर सर आ रहे हैं अभी. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सलाम सर. फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन. अभी सारे स्टूडेंट्स का जो जूलॉजी पेपर है, बॉटनी पेपर है, सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं. थैंक यू वेरी मच फॉर दैट सर. आप मुझे बताओ बहुत सारे स्टूडेंट्स मतलब जब क्वेश्चन करते हैं तो आ जाता है कोई क्वेश्चन छूट जाता है, वो
एंजाइटी में जाते हैं एट ए टाइम, मतलब फिर उनका सारा पेपर खराब हो जाता है. सर आप एक सलूशन बताओ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ऑडियंस को, अभी क्लास 11th के देख रहे हैं, 12th के जो भी देख रहा है, स्टूडेंट देख रहा है, आप उनको बताओ आप कैसे ठीक कर सकते हो, एंजाइटी से कैसे बच सकते हो. सो व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग अ पेपर, जब आप पेपर कर रहे हो, एक सिंपल ट्रिक सोल्यूशन बताऊँगा मैं इसका, कि आपको जो कुछ क्वेश्चंस जो है वो इजी लग रहे हैं, जो इजी लग रहे हैं आपको वो आप पहले अटेम्प्ट करें. तो अगर आपको फिजिक्स में, जूलॉजी में, केमिस्ट्री में कोई मुश्किल क्वेश्चन लग रहा है तो उसको छोड़ दीजिए और उसको सेकंड राउंड में करें. सो इट्स बेसिकली डिपेंडेंट अपॉन कि जो आपको सिंपल क्वेश्चन वो अटेम्प्ट करें. तो उस टाइम से अगर आपने कोई मुश्किल क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, उसमें आपने 5 मिनट लगाए, 4 मिनट लगाए, तो इट विल प्रोड्यूस एंग्जाइटी. तो फिर आप जब क्लिक करोगे पेपर में, सो फर्स्ट ट्राई टू अटेम्प्ट वो क्वेश्चन जो आपको अच्छे से आते होंगे, और व्हेन यू कम अप फॉर द सेकंड राउंड आप वो बाकी क्वेश्चन भी वो कर पाएंगे. ओके सर. सर सो हाउ वाज योर पेपर? मेरा पेपर बहुत अच्छा रहा, मतलब हर एक पेपर इजी था, अच्छा था, अच्छी लेवल के क्वेश्चन थे. एक्सपेक्टेड स्कोर 650 अबव. तो किस में आपको मार्क्स लग रहा है आपको? फिजिक्स. व्हाट अबाउट केमिस्ट्री? केमिस्ट्री ऑल गुड. ऑल गुड. तो चलो विश यू ऑल द बेस्ट. और यहां पे कैसे पढ़ा? बहुत बहुत ज्यादा अच्छा पढ़ा. सबसे फेवरेट टीचर आपका? मेरा फेवरेट टीचर फिजिक्स केमिस्ट्री रियाज सर एंड अशिल भूषण सर. चलो विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू. थैंक यू. सो फाइनली गाइज अभी ये यहाँ पे थोड़े से डिस्कशन कर रहे हैं. हाय. हाय कैसे हो? वालेकुम सलाम. तो आप अभी पेपर डिस्कशन कर रहे हो, कैसा हुआ आप लोगों का पेपर? बहुत अच्छा हुआ. बहुत अच्छा हुआ. लाइक एक्सपेक्टेड स्कोर क्या है आपका? यही कुछ 650 अबव. जो अभी ये लेवल थी पेपर की, क्या लगता है आपको आप ऐसा कर पाओगे नीट में? इंशाल्लाह कर सकते हैं अगर मेहनत करेंगे तो. एनसीईआरटी पे आया था पेपर, एनसीईआरटी पे मॉडरेट था पेपर. आप मुझे बताओ. एंड वी आर वेरी हेल्प टू आवर टीचर्स बिकॉज उन्होंने हमें जो सारा कुछ एनसीईआरटी था वो हमें पढ़ाया, क्योंकि जो हमारा पेपर था उसमें एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी नहीं आया था, जो भी आया था वो हमने पढ़ा था, इसलिए हम एक्सपेक्टेड करते हैं 700 प्लस मार्क्स. तो वी आर वेरी थैंकफुल टू आवर टीचर्स जिन्होंने हमें ऐसी क्वालिटी एजुकेशन दी. आज हमें लग रहा है कि PW में कुछ ना कुछ है, जो यहाँ पर फैकल्टीज है वो यहाँ पर है, और बाकी ट्यूशन सेंटर्स के जो फैकल्टी है वो उनसे थोड़ा बहुत नीचे है. वो हमें आज पता चला जब हमने ये टेस्ट दिया, और इसमें हमें पता लगा कि हमने कितना स्कोर किया, और जो क्वेश्चंस थे जो हर टीचर्स ने सब कुछ पढ़ाया था. अच्छा क्वेश्चन प्रैक्टिस कितनी होती है यहाँ पे, मतलब क्वेश्चंस कितने कराते हैं क्लास में एज कम्पेयर टू अदर कोचिंग सेंटर्स? यहाँ पर हर दिन हमें क्वेश्चंस कराते हैं, हर दिन क्वेश्चंस कराते हैं हमें. यहाँ पर टेस्ट्स भी होते हैं, हर क्लास में भी टेस्ट्स लेते हैं सर टीचर्स, और पूछते भी है. ओरल टेस्ट होता है? यस सर होता है. सो फाइनली गाइस देख लिया आप लोगों ने जोश कैसा है जवानों में, मतलब पेपर फाड़ दिया इन लोगों ने सच में. सो फाइनली गाइज ये है PW, देख सकते हो फाइनल लुक इवनिंग टाइम में. तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा, तो कमेंट लाइक कमेंट शेयर कर देना. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, एंड नेक्स्ट वीडियो के लिए रेडी रहना, वो भी अच्छा खासा वीडियो आने वाला है 11th स्टूडेंट्स के लिए.